नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष एवं के प्रशासन मंत्रालय उत्तर प्रदेश के, जो जिनको प्रभार मिला है दयालु मिश्र को, आज वो यहाँ आने वाले हैं। लखनऊ से वह सड़क मार्ग से आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उन समर्थकों से हम बातचीत करते हैं कि उनके मन में कितना उत्साह है और वो करीब आज दोपहर से, पूरी दोपहर से वो यहाँ पर अपने नेता का, अपने प्रिय मंत्री का स्वागत और सत्कार करने के लिए यहाँ पे इंतजार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सिगरा का मैरिज पॉइंट है। इसी में एक राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र सभा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, स्वागत समारोह होगा, उनका सम्मान होगा। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना उत्साहित हैं अपने मंत्री का स्वागत करने के लिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोनू। आइए। आज डॉक्टर दयाशंकर मिश्र यहाँ पे आ रहे हैं, कितना मन में उत्साह है, उनको मंत्री बनाया है? बहुत उत्साह है हम लोग के अंदर और उनके आने के हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका कब से इंतजार कर रहे हैं और आने में बस उनका स्वागत तैयारी हो चुकी है, माला वाला लेके हम लोग खड़े हैं। क्या उनके अंदर सबसे अच्छाई क्या है? वो बहुत अच्छे हैं, उनके ऐसा अच्छा आदमी कोई नहीं है। उनको डायरेक्ट मंत्री बनने वाले वो शहर के पहले ऐसे नेता हैं, तो क्या अच्छाई, कुछ तो आप लोग बताएंगे क्या उनकी खासियत थी जो शीर्ष नेतृत्व को उनको मेरे हाँ आइए जानते हैं कि दयाशंकर मिश्र की क्या विशेषता है, काशीवासी बताएंगे। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को डायरेक्ट मिनिस्टर बनाया गया है, एक आध महीने में वो MLC भी बनेंगे, क्या अच्छाई है उनके में? उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो हर आदमी से मिलना जुलना, हर वक्त हर के दुख सुख में खड़ा होना, हर कार्य में खड़ा होना, किसी को कोई अहंकार दृष्टि से न देखना। सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है कि वो एक आम आदमी की तरह रहते हैं। अच्छा, उनको खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिया गया है, वो तो इस पे क्या मानते हैं, वो कितना अच्छा कार्य कर पाएंगे? अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा वो कार्य करेंगे। आप लोग यहाँ कब से हैं उनके इंतजार में? अभी तो वो आ रहे हैं, घंटों से खड़े हैं उनके इंतजार में। क्या नाम है आपका, किस विधानसभा से आते हैं? हम लोग दक्षिणी विधानसभा से, अभिनव मिश्रा। आइए, कुछ तमाम यहाँ पे युवा हैं, ज़्यादातर इसमें युवा ही हैं जो डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के स्वागत के लिए लगभग 3-4 घंटे से ये लोग हैं, दोपहर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? संजय चौरसिया। मंत्री जी आ रहे हैं, नवनियुक्त मंत्री हैं, डायरेक्ट मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो क्या मानते हैं? अच्छी तरह से मानते हैं उनको हम लोग, अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है। अच्छा व्यवहार है उनका और क्या। कितने लंबे समय से उनको जानते हैं आप? काफ़ी समय से जानते हैं। क्या मानते हैं दयालु जी आज आ रहे हैं? व्यवहार से उनके बहुत मतलब अनुभव उनका पुराना है, कई बार कांग्रेस से उनसे लड़े हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं, इसलिए उनका जो व्यवहार है ये बनारस के अंदर उनका पहचान है। अच्छा। बहुत इनकी अच्छी व्यवहार। सीटिंग MLA को छोड़कर शीर्ष नेतृत्व ने इनको मंत्री बनाया है, तो क्या मानते हैं, क्या अच्छाई है भैया? इनका अच्छाई क्या है, इतना पुराना नेता है और उसके बाद इनको कार्यकाल संभालने का मौका मिला है, तो अपना आगे जो है इसको जो मिला है पद उस पर काम करेंगे अच्छे से। क्या मानते हैं चाचा जी आज आ रहे हैं डॉक्टर दयालु मिश्र? व्यक्तिगत व्यवहार उनका पूरे बनारस में क्या, पूरे बनारस जिले में बहुत बेहतरीन है, चाहे वो कांग्रेस आई रहे हो चाहे भाजपा, मुसलमान हिंदू सबको लेकर वो चलते हैं, उनका सबसे बड़ा व्यवहार यही है, इसलिए योगी जी ने उनको बहुत बढ़िया पद दिया है। आइए यहाँ पे कुछ युवा हैं, आइए, आज डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी आ रहे हैं, कितना मन में उत्साह है, उनका स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत तो हम लोग भरपूर करने वाले हैं। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा का नाम दयालु है, जैसे वो हैं वैसा उनका कर्म है। काशी की जनता का काफ़ी अर्थों से मन था कि वो काशी के जनता का दिल से हर कार्य पूरा करे, जो हर छोटा बच्चा बूढ़े से लेके बच्चा तक हर काम हर कार्य दयालु भैया कर सकते हैं, और जनता की यही मांग थी, काशी का यही पहचान है दयाशंकर मिश्रा। अच्छा, वो दक्षिणी से टिकट भी नहीं मांग रहे थे, हालांकि जिसको टिकट मिला वो जीते, लेकिन एक शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया बड़ा गंभीर कि उनको पूर्व मंत्री को फिर मंत्री नहीं बनाया, डॉक्टर मिश्रा को लाए, तो क्या मानते हैं इसके पीछे इनकी छवि थी या बेहतर? डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा की छवि ऐसी है, मैंने कहा ना कि वह दयालु हैं,
उनका नाम दयालु है, उनका कर्म दयालु है। इसी वजह से माननीय योगी जी ने उनको शीर्ष नेतृत्व दिया कि वो बनारस की जनता, काशी जनता का हर कार्य पूरा कर सके और सबके दिलों पे राज करे। आने वाले 2024 में उनके शीर्ष नेतृत्व में हम लोग सारे युवा जुड़ के माननीय मोदी जी के लिए सारा कार्य करेंगे और उनको फिर से 24 में जिता के प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिगड़ा पे हम लोग खड़े हैं, शाम हो गई है, लेकिन ये लोग लगभग 3-4 घंटे से यहाँ डॉक्टर दयाशंकर मिश्र का वेट कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए ये लोग आतुर हैं और बिना स्वागत किए लोग जाने वाले नहीं हैं। आप कब तक वेट करेंगे, वो अभी कहाँ हैं? दयाशंकर मिश्रा इस समय सर्किट हाउस आ चुके हैं। अब यहाँ से मलदिया चौराहे पे माल्यार्पण करने के बाद हम लोग वहाँ से इनको यहाँ तक ले आए। 12 बजे रात तक भी रहेंगे अपने नेता के लिए? जी हाँ, इसलिए कि वो एक प्रेरणा है हमारे युवाओं का। वो जो कार्य किए हैं, जो कार्य करते हैं, जो शब्द उनका बोलते हैं, तो संपूर्ण पूर्णतः सत्य होता है। और दूसरी चीज़ के एक लेक्चरर भी हैं, आज प्रिंसिपल भी हैं, एक शिक्षा भी, अगर शिक्षा मंत्रालय मिला होता तो हम लोग और मस्त होते। लेकिन उनका स्वभाव, उनके कार्य करने की शैली बहुत अनुकूल। क्या मानते हैं, उनको खाद्य औषधि प्रशासन दिया गया तो इसमें बेहतर कर पाएंगे वो? निसंदेह, विश्वास है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे, एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।